गलत किया है, लेकिन लड़का बेरोजगार है, उसके चक्कर में ये जरूर घूमता था। सबका हितैषी है, अपना खून निकाल करके दूसरे को जियाया है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। कौन आखिर ऐसा कदम उठाया? न प्रभावित उसके घर में आपको नेता लोगों का फोटो सजा करके रखा है। कलकत्ता में कभी नहीं मिला है, ये मिला है तो दिल्ली में जाकर ही मिला। हमारे घर में बंगाल में कोई नहीं आता है, और बड़ा बाजार में छोट भैया नेता लोग जो है उससे ये उसके बीच में भी है बहुत। दिल्ली संसद भवन के अंदर घुसपैठ का मामला सामने आया है, इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, और जो इसके मुख्य आरोपी हैं, मुख्य सरगना बताया जा रहा है ललित झा, वो दरभंगा का रहने वाला है। यानी दिल्ली संसद भवन का तार जो हंगामा हुआ था वो दरभंगा से जुड़ गया है, और दरभंगा के इस वक्त हम श्रीरामपुर उदय में गांव में है, और ये ललित झा का घर है, और हम खुद चलते हैं उनके पिताजी से बात करते हैं कि आखिर क्या है ललित का बैकग्राउंड, और ललित आखिर ऐसा किया तो क्यों किया, और उनके परिवार वाले इस घटना के बाद से किस रूप में देख रहे हैं। ये बताइए कि जो ललित ने किया है वो आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, समाचारों में सुना होगा, आखिर ललित ने ऐसा कदम उठाया इसको आप क्या मानते हैं, सही है गलत है, और क्यों किया ये? ना गलत किया है, लेकिन लड़का बेरोजगार है, उसके चक्कर में ये जरूर घूमता था, लेकिन लड़का में कोई अवगुण है या कोई बदमाशी है ऐसा कुछ नहीं है, एक नंबर का लड़का है। सबका हितैषी है, अपना खून निकाल करके दूसरे को जियाया है, थाना में जा करके, थाना में शिविर लगा, बच्चे बीमार है, उसका खून टेस्ट करके उसको जियाया है, एक नंबर का लड़का है। लड़की ललित में कोई अवगुण नहीं है, हसमुख लड़का है, सुंदर लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। नहीं तो आखिर जो कदम उठाया, एक तो इस कदम को आप किस रूप में देख रहे हैं, और क्या ये आप जब हो गया ये इस तरह का मामला सामने आया तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लड़का छूट कर आ जाए, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोषी नहीं है। अब क्यों उठाया, वहां तक क्यों पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, किसके थ्रू पहुंच गया, ये हमको मालूम नहीं है। किससे प्रभावित, किससे रहता था ललित, आखिर इतना बड़ा कदम उठाया ये जानते हुए कि संसद भवन के अंदर ये जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप ऐसा करने जा रहे हैं, तो आखिर प्रभावित किससे था, क्यों आखिर ऐसा किया, और क्या ललित कभी इस तरह का आपराधिक घटना में था? ना कोई आज तक अपराध नहीं किया है, बारी बारी से पूछ लिया, बोला बारी बारी बोला है कि 4 बरस से हमारे यहाँ रहता है, ललित भैया एक नंबर का आदमी है, कोई उसके में अवगुण नहीं है, सबके पास बैठना, सबसे बात करना। प्रभावित किससे है ललित, आखिर कौन कौन आखिर ऐसा कदम उठाया? न प्रभावित उसके घर में आपको नेता लोगों का फोटो सजा करके रखा है। कौन नेता का? ये ललित का घर में कौन नेता चाहे भगत सिंह? हाँ भगत सिंह, भगत सिंह का वो भारी मत, उनके फंक्शन में हो जाता आता भी है, उनके फंक्शन में सहायता भी करता है। अच्छा तो जो मामला सामने आया, तो क्या कभी जो लड़का बाकी चुकी सब अदर स्टेट के, तो क्या ये लोग आपस में दोस्त थे, कभी मिलते जुलते थे? कलकत्ता में कभी नहीं मिला है, ये मिला है तो दिल्ली में जाकर ही मिला है। हमारे घर में बंगाल में कोई नहीं आता है, ये वहीं पर में मिलता जुलता है, और बड़ा बाजार में छोट भैया नेता लोग जो है उससे ये उसके बीच में भी है बहुत रहा हुआ है, रहता भी है, वो लोग बुलाते भी है। आखिरी मुलाकात बात आप लोग को ललित से कब हुई थी, कहाँ हुई थी? 10 तारीख को, रविवार 10 तारीख दिसंबर, और बोल करके गए हैं कि आप लोग जाइए, वही टिकट कटाया था, वही चढ़ाया था, वही टैक्सी किया था। हम लोग को विदा करने के बाद में वो बोला अभी आज दिल्ली जाएंगे, बस दिल्ली जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसके जाएंगे, क्या करने के लिए जाएंगे, ये कोई पता नहीं है। अब जब आपको घटना की जानकारी मिली है तो क्या चल रहा है मन के अंदर, क्या कहेंगे सरकार से? ना सरकार से यही कहेंगे कि जो भी किया है गलत किया है, लेकिन लड़का गलत नहीं है, और कोई ऐसा गलत काम भी नहीं किया है, कोई बम है कि कोई बारूद है कि कोई चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वो रखता भी नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का है, एक नंबर का लड़का है। क्या करता, करता क्या था वो, क्या मानसिक रूप से वो सही था, परेशान रहता था, क्या था? ना बिल्कुल परेशान नहीं था, कमाता नहीं था, हम लोगों के घर में खाता था, हमारा रसोई बना रही है वो खा रहा है।
घूम फिर रहा है, कहीं कहीं ट्यूशन भी करता है, कहीं कहीं आपको लड़के बच्चे लोगों का पढ़ाने का कोचिंग सेंटर होता है उसमें भी जाता था, यहाँ भी आता था तो स्कूल में दुख करके पढ़ाने लगता था। अच्छा, दुख है जो लड़का ने आपने किया था इसे आपकी? बहुत दुख है, हम चाहते हैं कि लड़का को हम देखें और लड़का एक बार मुलाकात हो हमसे, जो हम भी तो पूछ सके कि क्यों ऐसा किया, क्यों किया, क्या बात है तुम्हारे मन में। अच्छा, पुलिस भी आई थी, दरभंगा पुलिस आपके इस घर पे आई थी, क्या जानकारी ली पुलिस? यही सब कि लड़का कौन है, क्यों ऐसा किया, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, वो क्या करता है, यही सब पूछ पाछ करके। कोई साक्ष्य सबूत यहाँ वो इकट्ठा किए, घर का जांच वांच किए? ना, कुछ जांच नहीं किए, यही पर चटाई पर बैठ करके सारा ब्यौरा लिए, सबका टेलीफोन नंबर लिए और फोटो लिए। अच्छा, घर परिवार में कितने लोग हैं? क्या ललित आपके साथ ही रहता था? कितने भाई बहन हैं, कुछ बता पाएंगे? हाँ, तीन लड़का है हमारे, एक लड़की है हमारा, बड़ा लड़का का शादी हुआ हुआ है। अच्छा ठीक है, हम अब उनकी माँ से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या आखिर जानकारी मिला था और क्या हुआ, ये बताइए कि ललित से कब आपकी बात हुई थी और क्या हुआ था, ये बताइए। वो तो अच्छा लड़का है, हमारा कुछ नहीं बोल के गया है, हमारा हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, ये लड़का अच्छा है, ये हम तो बोलेंगे प्रधानमंत्री को बेटा है, हम क्या बोलेंगे, यह विधायक है, श्रेष्ठ है, हम तो उसको मानते हैं। तो क्या रहता था घर में, वो परेशान रहता था क्योंकि आप माँ है, कुछ बात शेयर करता था? नहीं, कुछ नहीं करता, प्यारे करता है, कुछ नहीं करता है, वे प्रेमी है, ये मम्मी कैसे रहेगा, पापा कैसे रहेगा, तबीयत खराब होगा तो देखेगा, देखभाल करेगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, कुछ उस मापगुण नहीं है, सब गुणे है, तो हमारा बेटा से मिलाकर गप करा दीजिए, और कुछ नहीं, हमारा टेंशन जब हमसे हमारा बेटा गप करेंगे तो हमारा टेंशन दूर हो जाएंगे, नहीं तो बीपी तेज हो जाएंगे। अच्छा, अंतिम कब मुलाकात हुई थी आप लोगों? तो वो स्टेशन छोड़ने आया था, क्या कह के गया वहाँ? कुछ नहीं गया, उसको हमारा कुछ कह कर नहीं गया, उसको हमारा बोलेंगे जो हम बाहर जाने हैं, हम कहा कि नहीं जाइए, ठंडा फट जाएगा तब जाएगा, इतना हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे क्यों किया होगा, कुछ लगता है आपको कि आखिर ऐसा आप लोग खबर मिल रही है तो आखिर कैसा स्टेप ये कैसे उठा लिया, कुछ जानकारी? कुछ जानकारी नहीं है हमारा। क्या नाम हुआ? हमारा मंजुला झा। तो ये देखा आपने कि उनके मदर और फादर